गुड मॉर्निंग डी आर स्टूडेंट टुडे वी डिस्कस वर्कशीट नंबर सिक्सटीन डेट ट्वेंटी इलेवन ट्वेंटी ट्वेंटी दिस वर्कशीट प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जी एन सी टी सब्जेक्ट सोशल साइंस क्लास सिक्स नेम ऑफ स्टूडेंट नेम ऑफ क्लास टीचर टॉपिक ऑफ दिस वर्कशीट ग्राम सभा सी द पिक्चर मैनी पीपुल आर टॉकिंग टुगेदर स्टार्ट रीड द स्टार्ट वर्कशीट द ग्राम सभा इज ए मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट लिव इन द एरिया कवर्ड बाई ए ग्राम पंचायत दिस कूड बी ओनली वन विलेज और ए फ्यू विलेज कहने का मतलब है ग्राम सभा उन सभी व्यवस्थकों की एक बैठक है जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आए क्षेत्र में रहते हैं ये केवल एक गाँव या कुछ गाँव हो सकते हैं इन सम स्टेट्स ए विज मीटिंग इज हेल्ड फॉर ईच विलेज एनी वन हु इज एटीन ईयर्स ओल्ड और मोर एंड हु हैज़ द राइट टू वोट इज ए मेंबर ऑफ द ग्राम सभा कहने का मतलब है वह व्यक्ति जो अट्ठारह वर्ष से उससे अधिक आयु का व्यक्ति है और जिसे वोट डालने का अधिकार है वह है ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है द ग्राम सभा इज ए की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड बी रेस्पॉन्सिबल इट इज़ द पैलेस वेयर आल प्लान्ट फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर पैलेस्ट बिफोर द पीपुल मतलब है ग्राम सभा उन सभी की एक बैठक है ग्राम ग्राम सभा पंचायत को उसकी भूमिका निभाने जिम्मेदार बनाने के लिए महत्वपूर्ण कारक है यह वह स्थान है जहाँ ग्राम पंचायत के काम के लिए सभी योजनाओं को लोगों के सामने रखा जाता है द ग्राम सभा प्रोवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग रोंग थिंक लाइक मिस यूजिंग मनी और फेवरिंग सर्टेन पीपुल कहने का मतलब है ग्राम सभा पंचायत को गलत काम करने से रोकती और धन का दुरुपयोग या कुछ लोगों का पक्ष लेना इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कीपिंग इन आई ओन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड इन मेकिंग दैम रेस्पॉन्सिबल टू द पर्सन हु इलेक्टेड दैम यह चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और उन्हें चुने गए व्यक्तियों के प्रति जिम्मेदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ग्राम सभा इन सम स्टेट्स ग्राम सभा फ्रॉम कमिटीज लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटीज दीज कमिटीज इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा एंड सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत हु वर्क टूगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं निर्माण और विकास समितियों जैसी समिति बनाती है इन समितियों में ग्राम सभा के कुछ सदस्य और ग्राम पंचायत के कुछ सदस्य शामिल होते हैं जो विशिष्ट कार्यों को करने के लिए मिलकर काम करते हैं सीधा क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट क्वेश्चन नंबर वन वाट इज ग्राम सभा क्वेश्चन नंबर टू हु कैन बी मेंबर ऑफ ग्राम सभा क्वेश्चन नंबर थर्ड वाट इज द रोल ऑफ ग्राम सभा सीधा क्वेश्चन आंसर इन नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर वन वाट इज ग्राम सभा तो द ग्राम सभा इज ए मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट हु लिव इन ए एरिया कवर्ड बाई ए ग्राम पंचायत दिस कुड बी ओनली वन विलेज और ए फ्यू विलेज क्वेश्चन नंबर टू हु कैन बी ए मेंबर ऑफ ग्राम सभा एनी वन हू इज एटीन ईयर्स ओल्ड और मोर एंड हु हैज़ द राइट टू वोट इज ए मेंबर ऑफ द ग्राम सभा क्वेश्चन नंबर थर्ड वाट इज़ द रोल ऑफ ग्राम सभा आंसर द ग्राम सभा इज ए की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड बी रेस्पॉन्सिबल द ग्राम सभा प्रोवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग रोंग थिंक लाइक मिसयूजिंग मनी ऑन और फेवरिंग सर्टेन पीपुल कुछ लोगों का पक्ष लेना और धन के दुरुपयोग करना पंचायत अगर धन का दुरुपयोग करती है तो ग्राम सभा उसे रोकती है इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू कीपिंग एंड आई ओन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड इन मेकिंग द एम रेस्पॉन्सिबल टू द पर्सन हु इलेक्टेड दैम जो लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन पर नज़र रखती है और चुने हुए प्रतिनिधियों को अपना कार्य करने के लिए प्रेरित करती है कंप्लीट द वर्कशीट नंबर फिफ्टीन डियर स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वर्कशीट एंड राइट द क्वेश्चन आंसर इन यूर नोटबुक थैंक